हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 85 इंटॉक्सिकेशन। 85 इंटॉक्सिकेशन मत्ता, ठीक है। ये दो सेक्शन हमें एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, इसमें 85 और 86, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन मत्ता क्या है, देखिए, कोई एक्ट ऑफेंस नहीं होता जो किसी ऐसे पर्सन ने ऐसे समय पर जो इंटॉक्सिकेशन के कारण उस एक्ट के नेचर को कि वो रॉन्गफुल है या contrary to law समझने में क्या हो गया था, incapable हो गया था। कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे पर्सन द्वारा ऐसे समय पर जो इंटॉक्सिकेशन के कारण उस एक्ट के नेचर को कि वो रॉन्गफुल है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है समझने में इनकैपेबल हो गया था। कोई बात अपराध नहीं है, ठीक है। 84 में भी हमने यही पढ़ा था, बस इंटॉक्सिकेशन की जगह अनसाउंड माइंड आ गया था। लेकिन इसके साथ हमें दो चीजें और देखनी पड़ेंगी, वो है कि वो चीज जिससे उसे इंटॉक्सिकेशन हुआ है वो कैसे दी गई है, विदाउट हिज नॉलेज। कैसे दी गई है, विदाउट हिज नॉलेज, और अगेंस्ट हिज विल। ये चीज जिससे उसे मत्ता इंटॉक्सिकेशन हुआ वो उसको कैसे दिया गया, विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। तो कोई बात अपराध नहीं होती जो ऐसे समय पर इंटॉक्सिकेशन के कारण उस एक्ट के नेचर को कि वो दोषपूर्ण है, गलत है, रॉन्गफुल है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, विधि के विरुद्ध है, समझने में इनकैपेबल हो गया था। यदि वो चीज उसको कैसे दी गई थी, विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल ऐसे दी गई थी। तो अगर इस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस भी कर दिया है तो वो अपराध नहीं होगा। लेकिन ये हमारा जो है क्या रहेगा, स्केल रहेगा, पैमाना रहेगा। हम उस स्केल को देखेंगे, लेकिन हम ये पहले ये देख लेंगे कि जो चीज़ जिससे उसे नशा हुआ है वो उसे बिना उसके ज्ञान के या उसकी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं दी। जबरदस्ती कई बार आप जा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक में किसी ने दवाई मिला दी और आपको उसकी नॉलेज नहीं है, या फिर दोस्तों ने जबरदस्ती आपको जो है शराब पिला दी है, तब है, तब हम इस स्केल को देखेंगे, ठीक है। आप अपने आप ले रहे हैं तब नहीं, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं 86, ये भी इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए ए ने कोई एक्ट किया और ये एक्ट क्या है, ये एक्ट कोई ऑफेंस है, ठीक है। तो यहां पर हम मानेंगे कि उसको इंटेंशन, उसने अपनी इंटेंशन से तो ये काम नहीं किया, लेकिन हम ये मान करके चलेंगे कि उस
उसे इस बात की स्पेशल नॉलेज थी। ठीक है, यदि उसने चीज जिससे उसे नशा हुआ है उसने जानबूझकर के लिए स्वयं अपनी इच्छा से ली है तो मान, ये तो हम मान लेंगे कि उसने वो जो एक्ट किया है जिससे अपराध हुआ है वो उसने इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि उसको ये स्पेशल नॉलेज थी कि उसके एक्ट के क्या परिणाम होंगे। यानी कि इंटॉक्सिकेशन अगर इन्वॉलेंट्री है तो बेनिफिट मिलेगा, तो क्लियर है, लेकिन अगर वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है तो हम उसमें इंटेंशन की प्रजम्पशन नहीं करेंगे, लेकिन नॉलेज इस पर आपको नॉलेज रही होगी इसकी प्रजम्पशन हम करके चलेंगे। यानी कि ये प्रजम्पशन ऑफ इंटेंशन इससे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रजम्पशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, इससे रिलेटेड है। इस पर एक दो केस लॉ भी देख लेते हैं। '85 और '86 इस पर सबसे पहला लीडिंग केस, केस लॉ, पहला लीडिंग केस क्या है? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड 1929 हाउस ऑफ लॉर्ड का मामला है। ठीक है, इसमें क्या है, एक 13 साल की लड़की जब एक फैक्ट्री के पास से होकर के जा रही थी तो वहाँ पर जो उसका गेटकीपर है उसने वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन किया हुआ था और उसने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए उसको पकड़ लिया। जब वो चिल्लाई तो उसने एक हाथ से उसका मुंह दबा लिया और दूसरे हाथ से उसका गर्दन पर हाथ रख लिया। अब धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ा तो गर्दन पर दबाव बढ़ने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसने इस केस में इंटॉक्सिकेशन का फ़ायदा मांगा कि भाई मैं तो नशे में था और उसको पता नहीं था उसके, लेकिन इसको बेनिफिट देने से कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन इस केस लॉ में दो चीजें निकल के आई, क्या अल्कोहलिक ट्रिमेंशिया और अल्कोहलिक डायमेंशिया, अल्कोहलिक ट्रिमेंशिया और अल्कोहलिक डिमेंशिया, ये क्या है, ये इंटॉक्सिकेशन से होने वाले विकार है, बीमारी, और इसमें भी स्थायी रूप से या उस समय जब व्यक्ति एक स्टेज वॉलेंट्रीली भी नशा कर रहा है उसकी स्टेज कहाँ तक पहुँच जाती है तो उसको पता ही नहीं है। अब कोई भी इतना नशा हो गया कि उसे पता ही नहीं है वो क्या एक्ट कर रहा है, रॉन्गफुल है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है स्थायी पागलपन वाली, अल्कोहलिक ट्रिमेंशिया, अल्कोहलिक डिमेंशिया वाली, तो उसमें हम अनसाउंड माइंड वाला, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि जो मैकनॉटन का रूल था, मैकनॉटन का रूल अप्लाई हो जाएगा और उसमें हम इसको जो है बेनिफिट दे देंगे। यानी कि जो पागलपन है ये जरूर, ये पागलपन होना चाहिए और वो भी विधिक पागलपन, वो नशे की वजह से हुआ है, शराब पीने की वजह से हुआ है या किसी और कारण से हुआ है वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन क्या है, लीगल विधिक पागलपन होना चाहिए, वो स्टेज आनी चाहिए कि उसको उस एक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि उसने वो जो एक्ट करने जा रहा है, वो जो एक्ट कर रहा है वो कैसा है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या रॉन्गफुल है, तो बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है,
एक और केस वासुदेव वर्सेस पेप्सू 1956, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। पेप्सू ये स्टेट ऑफ पंजाब भी कह सकते हो, पहले इसका नाम पेप्सू था। इसमें क्या है, एक विवाह समारोह चल रहा था, ठीक है, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे, एक बच्चा भी वहां बैठा हुआ था। ये वासुदेव मिस्टर वहां पे पहुंचे और एक बच्चे से कहा कि चेयर से हटने के लिए कहा कि आप हट जाइए, और वहां से वो बैठ करके वो बैठेगा और वो देखेगा जो प्रोग्राम चल रहा है। बच्चे ने उसको हटने से वहां से मना कर दिया, इसने ड्रिंक किया हुआ था और इसने अपने रिवॉल्वर निकाल के उस बच्चे को मार दिया कि वो उसने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ पर इसने इंटॉक्सिकेशन का 85 का बचाव लिया, लेकिन उसको बचाव उसको स्पेशल नॉलेज रखते कि आपको स्पेशल नॉलेज थी, इसको लायबल ठहराया गया, ठीक है। सारथी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये केस लॉ है 1976 का है। इसमें ये तीन एक्यूज्ड थे, इन्होंने पहले विक्टिम को मारा और मारने के बाद में छत से लटका दिया, ठीक है, उल्टा टांग दिया, वहीं पर जो है प्रेशर बढ़ने से उसकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने भी बचाव मांगा, लेकिन इनको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया गया, ठीक है। अगर वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है तो इंटेंशन की हम प्रजम्पशन नहीं करते, लेकिन स्पेशल नॉलेज रही होगी ये प्रजम्पशन हम करके चलते हैं। नहीं था, इसके बावजूद भी आपको स्टेज आ गई थी अल्कोहलिक ट्रिमेंशिया वाली, तो आप बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा, आप दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड 85 86 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।